प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत और हमारा Facebook पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत। आज मैं आपको जानकारी दूंगा मई का महीना इस पृथ्वी लोक के लिए, मनुष्य जीवन के लिए और इस घातक बीमारी के लिए निर्णायक होने वाला है। ग्रहों की गति क्या बोलती है आज इस पर जानकारी दूंगा। मई के महीने में 3 ग्रह बकरी हो रहे हैं और 3 ग्रहों का स्थान परिवर्तन है और बुध ग्रह वो चौथा ग्रह होगा तीसरे के साथ साथ, वो 2 बार स्थान परिवर्तन करे। आज मैं यही जानकारी आपको दूंगा। इसके अंतरिक्ष में क्या दुष्परिणाम होंगे, विश्व पटल पर इसके क्या परिणाम होंगे, मानव जीवन में फलित ज्योतिष के अंदर हमारे शरीर पर क्या दुष्परिणाम होंगे और क्या अच्छे परिणाम होंगे, ये मैं बताऊंगा। आज के टाइटल में मैंने लिखा है कि बिछड़ी हुई विरासत मिलेगी बकरी ग्रहों के कारण, ऐसा लिखा है। और ये भी लिखा है 4 ग्रह परिवर्तन करेंगे और 3 ग्रह बकरी होंगे। आज मैं ये सब पे पर्दा उठाऊंगा। वैसे तो मैं सभी समय पे जानकारी देता हूं, अभी पिछले 7-8-10 एपिसोड पहले मैंने कहा था, जब मंगल शुक्र का प्रभाव चल रहा था तब मैंने कहा था कि बड़े फिल्म स्टार कोई दिवंगत हो सकता है, तो 2 फिल्म स्टार हमारे बीच से चले गए। मैंने ये कहा था कि विश्व में उथल पुथल होगी, उथल पुथल चल रही है। खैर विश्व युद्ध तो नहीं होगा क्योंकि सभी बहुत त्राय त्राय में फंसे हुए हैं, लेकिन हालात खराब होंगे, युद्ध की संभावना है, छुटपुट घटना है। क्योंकि युद्ध के हालात जितने भी हैं वो 30 जून तक है और 30 जून तक तो कोरोना ही चलेगा, तो इसका मतलब हालात अभी युद्ध के नहीं हो सकते। अगर ये हालात होते हैं तो फिर ये सितंबर के बाद बनेंगे, उसके बाद की स्थिति चेंज होगी। तो मैं आज आपको बताऊंगा, मैंने पहले भी बताया था 14 मई के बाद चेंजेज आएंगे कुछ, फिर मैंने कहा था 30 जून से चेंजेज आएंगे और 16 जुलाई से हम इस कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। 1-2 महीने की स्थिति 3 महीने की ऐसे ही चलेगी, उसके बाद फिर हमारे ऊपर इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा, उसके बाद हम इसे निजात पाएंगे। लेकिन बृहस्पति तो नीच का खत्म होने वाला नहीं, 30 जून से लेकर के 20 नवंबर तक ये स्वराशि में रहेगा लेकिन केतु के साथ रहेगा। ये जो पीरियड है सब तैयारियों में निकलेगा, फिर उसके बाद ये नीच हो जाएगा। इसका मतलब 2020 की आर्थिक स्थिति और 2021 अक्टूबर तक की आर्थिक स्थिति, करीब 1.5 साल पूरा विश्व चरमरा जाएगा, ऐसी सिचुएशंस स्टारों की बन रही है जो अभी कहते हैं, क्योंकि 21 जून को एक ग्रहण भी पड़ेगा। 3 ग्रह जो बकरी हो रहे हैं, एक तो नीच का बृहस्पति बकरी हो रहा है, स्वराशि का शनि बकरी हो रहा है और एक शुक्र स्वराशि का वो भी बकरी हो रहा है। बकरी ग्रह अगर शुभ स्थानों पर हो तो अच्छा फल करते हैं, लेकिन अगर किसी राष्ट्रपति, किसी तानाशाह, उसकी कुंडली में अगर कोई ग्रह बकरी अगर 6-8 बारे में हो गया तो वहां उस देश के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुंडली के अंदर इस प्रकार का कोई नेगेटिव योग नहीं है। अब मैं शुरुआत करता हूं कि कौन कौन सी राशियों के ऊपर इसके पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। जिनको खोई हुई विरासत प्राप्त होगी, अंतरिक्ष की जानकारी मैंने दी है क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं और हमारा Facebook पे एस्ट्रो टीवी आप इसको भी लाइक करें। अब मैं पहले कंसेप्ट आपको बता दूं कि शुक्र जो है वो काफी ज्यादा डिग्री पर है,
ज्यादा डिग्री पर अगर कोई ग्रह बकरी होता है तो वो राशि के मध्य में होता है, उसका प्रभाव उसी राशि के ऊपर ज्यादा होता है। बस इतना है कि वो बुरा कर सकता है या अच्छा कर सकता है। बुरा ग्रह कम डिग्री के ऊपर तो वो दूसरी राशि में परिवर्तित होकर के उसका नुकसान कर सकता है, और बृहस्पति का जो बकरी होना है वो 3 डिग्री के भीतर भीतर है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा या बुरा फल कर सकता है। 4 मई को मंगल राशि परिवर्तन करेगा, वो उच्च की राशि से निकल के जाएगा शनि के घर में, कुंभ राशि में जाएगा। शनि के साथ उसका कोई बहुत तालमेल तो नहीं है, समता का तालमेल है। बुध राशि परिवर्तन करके शुक्र के साथ जाएगा, एक अच्छा योग होगा, और एक सूर्य राशि परिवर्तन करेगा 14 मई को, वो वृष राशि में शत्रु राशि में जाएगा, जनता उस घर में जाएगा जहां उसके साथ दुश्मनी है। इसका मतलब ये रहा कि मंगल का और राजा का, यानी राजा और सेनापति 2 मई के महीने में शत्रु राशियों में जाने वाले हैं, तो कहीं संभावनाएं अच्छी नहीं है। लेकिन वो तो देश में चलेगा, वो तो पृथ्वीलोक पर, संसार में इसका प्रभाव डलेगा, हम उस पर नहीं जाते। हम जाते हैं आपकी राशि के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा वो मैं बताता हूँ। अब हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल, वो राशि परिवर्तन करेगा, लाभ स्थान पर चला जाएगा। मेष राशि के अंदर 2nd हाउस में शुक्र रहेगा, वो बकरी होगा, काफ़ी ज़्यादा डिग्री पर बकरी है, तो वो आपका खोया हुआ पैसा रेवेन्यू आपको देगा, वापस रेवेन्यू आपको दे देगा, तो मेष वालों के लिए तो अच्छा हो गया। यहां पर बृहस्पति भी आपके लिए भाग्योदय करने वाला होगा बकरी होकर के, क्योंकि वो धनु का फल देना शुरू कर देगा। शनि का बकरी होना 10th भाव पर, ये आपके लिए थोड़ा सा घातक योग हो सकता है, इसलिए अपनी जॉब और कैरियर को बचा के रखने की आपको जरूरत होगी। अगली राशि है वृष। वृष राशि वाला, राशि के अंदर ही शुक्र बकरी है, मान सम्मान में प्रोग्रेस आपके में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। वृष राशि के अंदर भाग्य स्थान पर शनि का बकरी होना और यहां बृहस्पति का बकरी होना, तो बृहस्पति यहां थोड़ा सा नेगेटिव होगा आपके लिए, लेकिन शनि बकरी होकर के वो भाग्य स्थान का ही फल करेगा, थोड़ा इरिटेट आपको करेगा, और ये कह सकता हूं कि आपकी धार्मिकता से थोड़ी सोच कमजोर हो सकती है, यहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुक्र बकरी आपके लिए अच्छा है, गुरु और गुरु में गुरु बकरी आपके लिए अच्छा नहीं है, शनि आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि के अंदर मृत्यु स्थान में शनि और गुरु की युति है, जहां पर गुरु का बकरी और शनि का बकरी दोनों ही हानिकारक होंगे, लेकिन शुक्र का बकरी होना यहां पर 12th भाव में ये विलासिता की चीजें आपको देता रहेगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो 7th भाव पर यहां पर गुरु और शनि दोनों बकरी होने वाले हैं, मैरिज लाइफ में पत्नी के स्वास्थ्य पर थोड़ा इफेक्ट आएगा, यहां पर शुक्र बकरी होगा लाभ के लिए बड़ा अच्छा है। अगर हम सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के अंदर 6th भाव में शनि और गुरु की युति, वो बकरी होंगे, गुरु यहां पॉजिटिव होगा लेकिन शनि रोक देगा, डायबिटिक लोगों के लिए, हार्ट वालों के लिए यहां थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि बकरी है। शुक्र का बकरी होना यहां पर वो आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि शुक्र की डिग्री ज्यादा है, तो वो कोई बैक राशि में जाने वाला नहीं है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि में शनि का बकरी होना बच्चों के लिए हानिकारक है, गर्भवती महिलाओं का हानिकारक है, गुरु का बकरी होना आपके लिए राजयोग का रखा है, वो एक अच्छा योग बनाएगा यहाँ पर, तो एक पॉजिटिव साइन देगा, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और यहाँ पर आपका जो शुक्र है वो पाकिस्तान पर होगा, वो बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा। तुला राशि में शुक्र का बकरी होना योग तो बनाता है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और गुरु और शुक्र का 4th भाव में बकरी होना, गुरु अच्छा नहीं है, शनि भी अच्छा नहीं है, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, बाकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, वो आपका
चौथे भाव के अंदर उसका मूवमेंट रहेगा। अब चौथे भाव में अगर मूवमेंट रहता है तो शस्तु राशि में है, माँ के साथ थोड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी। धन भाव पर बृहस्पति का बकरी पाप प्रभाव, ये ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते। स्थान हानि करोति जीवे पाप प्रभावे, कारको भाव है ना सर, तो यहां पर बृहस्पति कारक स्थान में बैठा हुआ है, नुकसान थोड़ा करेगा। धनु के लिए बहुत अच्छा नहीं है बकरी, क्योंकि डिग्री उसकी कम है और कम डिग्री के अंदर अगर वो बकरी होता है तो बारम भाव की तरफ वो खिसक सकता है। और धनु के अंदर वो धनु के अंदर वो धन भाव से इधर खिसकेगा तो आपकी तरफ आएगा, लेकिन धन के लिए ठीक नहीं है। अगर मकर की बात करते हैं तो बारम भाव में चला जाएगा और मकर के लिए थोड़ा सा, धन के लिए नॉट गुड। शनि स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा और यहाँ पर जो शुक्र योग कारक होता है वो आपके लिए ठीक है, एजुकेशन के लिए ठीक है। कुंभ की बात करेंगे वो भी ठीक है आपके लिए, क्योंकि कुंभ के अंदर शुक्र की पोजीशन अच्छी होती है, शुक्र बकरी होगा आपके लिए, वो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन बृहस्पति का नीच होना, बारम भाव में नीच होना और शनि का वहाँ बकरी होना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और मीन राशि की अगर मैं बात करूँ, बृहस्पति बकरी होकर के पॉजिटिव रहेगा, शनि या बकरी हो जाएगा लाभ जरूर देगा, और शुक्र का यहाँ पर द्वितीय भाव में बकरी होना वो हिम्मत पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ अच्छा देगा। तो तीन ग्रह ये जो बकरी हो रहे हैं, चार राशियों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। इतने ग्रह जब बकरी हों तो यूनिवर्स के लिए अच्छे नहीं। आपकी राशि पे क्या बीत रही है वो तो, अगर युद्ध हो भी जाए तो भी जिसने खाना है, बिजनेस करना है, चलाना है, वो उसका काम तो चलेगा। वो अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव होता है। अब इस समय इतनी भयंकर कोरोना जैसे बीमारी चल रही है, उसमें भी तो लोग पैसा कमा ही रहे हैं ना, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई तो अपना धंधा कर ही रहा है, चलता रहता है। तो मित्रों, और नई जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। ज्योतिष बड़ा पवित्र विज्ञान है, एक्यूरेट विज्ञान है। आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको नए एपिसोड में आपको दूंगा। अब आपसे याद लेता हूं, नमस्कार। और मुझे कुछ जानना चाहते हैं आप मुझसे तो आप मेरा पता नोट कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 2563815। मोबाइल नंबर 9212268609098111456। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली